सहारनपुर में हिंदू योद्धा परिवार HYP संस्थापक चौधरी विश्व सिंह कम्बोज के नेतृत्व में सभी हिंदू योद्धाओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चौधरी विश्व कम्बोज ने बताया कि बीते वर्षों में देखा जा रहा है कि कुछ रामलीला कमेटी रामलीला मंच पर रामलीला में भीड़ जुटाने के लिए अश्लील नृत्य व फिल्मी गीतों पर बालिकाओं या लड़कों को महिलाओं व भगवान के स्वरूप में नृत्य करवाया जा रहा है, जिससे कोई अच्छा परिवार व व्यक्ति अपने बच्चों, भाई बहन, माँ बाप के साथ रामलीला देखने नहीं जा सकता है। और रामलीला मंच पर अश्लील नृत्य की वजह से हमारे धर्म व देवी देवताओं का अपमान होता रहा है, जिससे प्रत्येक हिंदू समाज के हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। मैं चौधरी विश्व सिंह कम्बोज हिंदू योद्धा परिवार से, आज हमें सभी हिंदू जो है DM साहब के पास, जिलाधिकारी मोदी के पास, जो ये रामलीला व अन्य धार्मिक आयोजनों पे जो अश्लील नृत्य व जो फिल्मी गीतों पर नृत्य कराया जाता है, उसकी रोक के लिए ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमने DM साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार जो हमने जिलाधिकारी साहब को सौंपा है, मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ कि वैसे तो संविधान में देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिससे लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता कहीं कहीं ऐसा उदाहरण पेश करती है कि लोग स्वच्छंद होकर रामलीला व अन्य धार्मिक मंचों से मनमानी करते हैं और संस्था का रामलीला कार्यक्रम से तनिक भी लेना देना नहीं है। जी, अगर नहीं ऐसा होता है तो आपका नहीं, हम जो है हम चाहते हैं कि ये जो है DM साहब जो रामलीला के जो आयोजक हैं या रासलीला के आयोजक हैं, जो जागरण वगैरह के आयोजक हैं, ये जितने भी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनको जो है आदेश पारित करें कि इस प्रकार की कोई भी झांकी या कोई भी ऐसा नृत्य या कोई असली नृत्य जिस पर फिल्मी गानों पर जो है बालिकाओं को और लड़कों को भगवान का स्वरूप बना के नचाया जाता है, इस तरह के आदेश दिए जाएं कि इस प्रकार की कोई भी घटना कहीं पर नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो हम वहां पर पहुंचकर कानून को अवगत कराएंगे, पुलिस को अवगत कराएंगे, वहां पर पहुंचा के उस चीज़ को हमारी वहीं रोकथाम करने का कार्यक्रम करेंगे। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। आगरा में होटल अतिथि वन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महाराजा अग्रसेन एवं महारानी माधवी और राजा दशरथ एवं माता कौशल्या का सम्मान किया गया। हरिबोल सेवा समिति के अध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल एवं संस्थापिका ममता सिंघल के द्वारा सभी स्वरूपों का माला व पटका डालकर तथा पगड़ी पहनाकर स्वरूपों का सम्मान किया गया। वहीं अतिथि के रूप में आए राम प्रकाश अग्रवाल, नंदन गुप्ता, शगुन बंसल, नीरज अग्रवाल, मनमोहन चावला और सुरेंद्र नारुला का माला व पटका पहनाकर सम्मान किया गया। हरिबोल सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों ने इस समारोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया व भगवान के स्वरूप महाराजा अग्रसेन एवं माधवी राजा दशरथ एवं माता कौशल्या का आशीर्वाद प्राप्त किया। नाम ममता सिंघल है, हरिबोल सेवा समिति की संस्थापक। आज सम्मान समारोह रखा गया है यहाँ पर, राजा जो जनकपुरी सज रही है उसके उपलक्ष्य में हमने राजा जनक जी का और राजा दशरथ जी का सम्मान समारोह रखा है और साथ में महाराजा अग्रसेन जी का भी सम्मान समारोह रखा है। महाराजा अग्रसेन जी शंभू अग्रवाल जी हैं जो कि बलकेश्वर क्षेत्र में रहते हैं और राजा दशरथ जी कमला नगर में रहते हैं, संजय मित्तल जी और सपना मित्तल जी और जो BN हॉस्पिटल के जो आलोक मित्तल जी और RT मित्तल जी वो बने हैं जनक। मैं भोलानाथ अग्रवाल, हरिबोल सेवा समिति अध्यक्ष। आज यहाँ पे अतिथि वन के अंदर हरिबोल सेवा समिति के बैनर तले एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें हमारे आगरा के शंभुनाथ जी अग्रवाल जो हरिबोल सेवा समिति के संरक्षक हैं, इस उपलक्ष्य में उनका अग्रसेन महाराज माता माधवी जी का सम्मान पूर्ण तरीके से खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। कमला नगर जालबाग में जो आगरा की ऐतिहासिक रामलीला चल रही है उसके राजा दशरथ, माता कौशल्या, राजा जनक
माता सुनैना जी दोनों चारों जने हमारे यहाँ हरिबोल सेवा समिति के इस भवन में आ रहे हैं, उनका भी सम्मान भारी भरपूर भाव से बनाया जाएगा। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बलरामपुर के तुलसीपुर में चाहलुम बहुत ही गमी के माहौल से निकाला गया, जो कि पूर्वा के होते हुए इटावा चौराहे से बलरामपुर चौराहा से चौक में से गंबारिया नाला के पास करवला ठंडे किया गया। मोहम्मद साहब के नवासे की याद में मातम किया गया। हाय हुसैन की सदायों से गूंजता रहा माहौल। परंपरागत मार्गों से होता हुआ करबला में डंडा किया गया। इस जुलूस में नगर के मातम संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे, साथ ही कोतवाल तुलसीपुर के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। राजस्थान के बारा छिपावदौल प्रधान महोदय ने अपना जन्म दिवस वनवासी कल्याण परिषद एवं ग्रामीण आदिवासी बच्चों के साथ मनाया। कार्यालय प्रभारी कौशल शर्मा ने बताया कि आज रविवार को पंचायत समिति छावड़ा के प्रधान हरिओम नागर ने अपना जन्मदिन वनवासी कल्याण परिषद के सदस्यों के साथ मिलकर ग्राम तेलनी के आदिवासी बच्चों के साथ मनाया। इस अवसर पर सैकड़ों बच्चों को पेन एवं उनके पहनने के लिए जूते वितरित किए। प्रधान नागर ने आदिवासी बच्चों को शिक्षा से जुड़े रहने की बात कही। तत्पश्चात पाली स्थित चौथ माता मंदिर के सभी ने दर्शन किए। मध्य प्रदेश के भोपाल के बेरसिया में दलित संगठन गोंडीपुरा की घटना को लेकर हुए लामबंद बेरसिया थाने का घेराव करने पहुंचे सैकड़ों की संख्या में लोग। बता दें कि बीते दिनों जो घटना गोंडीपुरा में घटित हुई थी, उसको लेकर दलित समाज के संगठनों में भारी जन आक्रोश देखने को मिला। सामाजिक लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बता दें कि स्थानीय विधायक को भी विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक विष्णु खत्री के खिलाफ नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी की। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि एट सिटी के तरह मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी टीचर नासिर खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रहे हैं और उसे सस्पेंड करने की प्रक्रिया चल रही है। कड़कती धूप में और आज यहाँ पर आकर बैठने पड़ी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि हमें भी कोई शौक नहीं है प्रशासन से लड़ने झगड़ने का। प्रशासन के लोग भी हमारे लोग हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि प्रशासन के दरवाजे पर जब हम दरवाजा खटखटाते हैं तो प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुनता है। प्रशासन अनुवादित लोगों के सहारे पर काम करता है। बेरसिया की ये बड़ी घटना रही है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती है। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का।
डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता: रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। बुलंदशहर में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बैंक सखियों ने किया प्रदर्शन। बैंक सखियों ने मांगों को लेकर धरना भी दिया। कमीशन बढ़ोतरी, आई कार्ड उपलब्ध कराने और आधार कार्ड बनवाने की अनुमति समेत 7 मांगों को लेकर बैंक सखियों ने किया प्रदर्शन। बैंक सखियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता: माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। फरुखाबाद में कोटा चयन के दौरान दबंगों ने की जमकर मारपीट। 4 माह पूर्व कोटेदार की मृत्यु हो जाने के बाद आज हो रहा था कोटे का चुनाव। ग्राम सचिव की मौजूदगी में प्राथमिक विद्यालय में चल रही थी चुनाव प्रक्रिया। किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद वर्तमान प्रधान व पूर्व प्रधान के बीच हुई मारपीट। अचानक हुई मारपीट की घटना से मचा हड़कंप। घटना के संबंध में एक पक्ष के द्वारा थाना राजेपुर में दी गई तहरीर। प्रार्थी ने दूसरे पक्ष पर अवैध असलहे से लैस होने व जान से मारने की नीयत से हमला करने का भी लगाया आरोप। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात। CO अमृतपुर ने बताया, पुलिस मामले की जांच की जा रही है। गांव में पुलिस टीम निरंतर पेट्रोलिंग भी कर रही है। थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम हरिहरपुर बीरपुर का मामला। जनपद कासगंज के थाना गंज डुंडवारा पुलिस को मुखबिर की खास सूचना पर बड़ी कामयाबी हासिल। जहां पुलिस ने 6 शातिर चोर गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है, तथा पुलिस ने 1.32 बोर अवैध तमंचा तथा 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ वाहन चोर चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचने की फिराक में है, जो गणेशपुर कब्रिस्तान के पूर्वी गेट के पास खड़े हैं। सूचना को लेकर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए छापेमार कार्यवाही की, जिसमें 6 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किए गए, जिनसे 6 चोरी की बाइक बरामद की गई तथा एक तमंचा, 32 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 32 बोर बरामद किए गए। अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिस अधीक्षक कासगंज महोदय के निर्देशन में आज हमारे प्रभारी निरीक्षक गंज द्वारा की टीम के द्वारा गुरुवर्क किया गया है। इसमें वाहन चोर कुल मिला के 6 आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें 1 मोटरसाइकिल के पार्ट्स अलग कर दिए गए थे। इसके अलावा एक अभियुक्त जो सोनू नाम का है, उसके कब्जे से 1 अदद तमंचा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के चोर हैं और कितने मुकदमे इनका दर्ज है, क्या पहले भी क्यों चोरी किया था? इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में भी जानकारी की जा रही है। और ये चोर जो है अपने इस जनपद से भी है और बगल के एटा जनपद के भी है।
इन्होंने कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ चुराई थी, जो यह विवेचना का विषय है। अभी इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, शीघ्र ही इसके बारे में और जानकारी लेकर के हम उचित कार्रवाई करेंगे। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। सहारनपुर में कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन भानू ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। सौंपा ज्ञापन, आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन भानू द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अधिकारी को अवगत कराया कि किसानों का लगभग 305 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया अभी भी जनपद की शुगर मिलों पर बकाया है, जिसको जल्द से जल्द किसानों को वापस कराया जाए, क्योंकि गन्ना भुगतान नहीं होने से किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान का ब्याज भी उनको दिलाया जाए, और शुगर मिल गन्ने का भुगतान नहीं कराती है तो उनकी आरसी काट कर कानूनी कार्यवाही की जाए। नीरज चौधरी, युवा राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन भानू। किस संबंध में ज्ञापन? आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए। एक तो गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो रहा है, जनपद सहारनपुर के अंदर लगभग 305 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है, तो हमारी सरकार से मांग है जल्द से जल्द भुगतान करा जाए। दूसरी हमारी मांग है, सत्र चलने वाला है, अभी तक गन्ने का भाव तय नहीं किया गया, लागत को देखते हुए 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। हमारा है एक स्वामीनाथन रिपोर्ट C2 के आधार पर लागू की जाए। एक किसानों के जो ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं या चोरी हो रहे हैं, उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध करा जाए। मांग पूरी नहीं तो क्या करें? पूरी अगर मांग नहीं होगी तो भारतीय किसान भानू के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी के आह्वान पर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। जनपद सिद्धार्थ नगर की बांसी तहसील क्षेत्र के जिगनी हवा चेतिया होरिलापुर मार्ग के निर्माण को लेकर आज ग्रामीणों ने बांसी इटवा सड़क को जाम किया। रोड बनाने को लेकर ग्रामीणों में बहुत रोष व्याप्त था। आपको बताते चले, यह सड़क विगत कई वर्षों से टूटी है और बड़े बड़े खतरनाक गड्ढों में तब्दील है, जिसको लेकर लिए ग्रामीणों ने जिगनी हवा चौराहे पर बांसी इटवा मार्ग जाम किया। साथ ही क्षेत्रीय विधायक व सांसद को लेकर जमकर की नारेबाजी कि मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को काफी समझाया। ग्रामीणों को उग्र देखकर पुलिस प्रशासन ने तत्काल एक दर्जन से अधिक लोगों को मौके से पकड़कर संबंधित थाने में भेज दिया। बाद में पहुंच SDM ने बताया इस सड़क के लिए सर्वे कराया जा रहा है तथा जल्द ही इस सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। हाँ, ये जिगनेवा चेतिया मार्ग है तो थोड़ा खराब है, जिसका सर्वे पूरा हो गया है और बरसात बाद इस पे निर्माण शुरू हो जाएगा। इसी को खराब की स्थिति, रोड की खराब स्थिति होने के कारण कुछ लोग धरना प्रदर्शन करने का प्रयास किए थे, जिनको हटा दिया गया है और यही साहब भी यहाँ पे हैं, और तत्काल इसका जो है उनके द्वारा जो ज्ञापन ले लिया गया है, उस पर निर्माण शुरू हो जाएगा बरसात बाद। बरसात वहाँ चलना दूभर है, लोगों का कहना अगर गड्ढा भी थोड़ा सा भरा जाए तो। बिल्कुल सही बात है उनका, जो है रास्ता बहुत खराब है, क्योंकि कई बार जो है एम्बुलेंस कहीं फंस जाता है, लेकिन उसमें जनपद सिद्धार्थ नगर का थाना गुलहोरा है, जहाँ पर जिगनेवा से चेतिया की तरफ एक सड़क मार्ग जाता है, वो पहले काफ़ी अच्छा बना था, अभी इधर विगत दिनों वो टूट गया है, उसके कई जगह पे जल भराव है, तो उसको लेकर के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी रोड जाम की, जिसके दृष्टिगत वहाँ पर भारी पुलिस बल लगाया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी और SDM वासी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, और उनके द्वारा जो है लोगों को समझाया बुझाया गया तो सभी लोग वापस चले गए थे। उसके बाद कुछ
उपद्रवी तत्व आकर के और अकस्मात उनके द्वारा पथराव किया गया, जिससे दो तीन गाड़ियों को कुछ क्षतिग्रस्त किया है और दो तीन हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको मामूली चोटें आई हैं, तो उनको वहां पर हटा दिया गया है सभी को और लगभग एक से डेढ़ दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की जा रही है, इसमें विधिक कार्रवाई की। क्योंकि सर वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है जो जहाँ से पथराव हुआ, क्योंकि सामने से गाड़ी थी, तो CCTV कैमरे से कब तक खंगाला जाएगा कौन कौन लोग पथराव किए हैं? हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, क्योंकि हमारी जो पुलिस बल थी इसने बॉडी वॉर्न कैमरा भी पहन रखा था और हमारा जो थाने का मीडिया सेल था उसने लगातार रिकॉर्डिंग किया है, सभी साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं और इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।